मैं प्रदीप गोमाली, आप सबका स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल विकेट जर्नी में। तो आज फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ पल्सर N160 में लगने वाला फ्लैश एक्स। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। इसके प्राइस के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। इसको वीडियो के एंड में इसके प्राइस में बता दूँगा। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। इसका अनबॉक्सिंग तो हो गया क्योंकि फ्लिपकार्ट के जो आते हैं उसमें फैसिलिटी है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी करते हैं। OTP देना पड़ता है तभी जाके ये आपको हैंड ओवर करेंगे, तभी आप देख सकते हो कोई फॉल्ट है या नहीं। तो एक अच्छी सुविधा है, ओपन करके दिखाता हूँ आपको इसमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये वायर्स मिलते हैं प्लग इन प्ले वाले। ये सबसे मेन है क्योंकि यही इसके वजह से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बटन लगता है, आपने एक्स्ट्रा वो एम से कुछ तो स्टार्ट है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूंगा और डिस्प्ले भी शो कर दूंगा वो कंपनी का। वो फ्लैशेस लगाए तो यहाँ पे एक बटन लगाना पड़ता है, तो ये इसके वजह से आपको बटन की ज़रूरत नहीं है। और एक मैनुअल मिलता है, पढ़ाई करनी पड़ेगी नहीं तो, क्योंकि इसमें स्विच के वहाँ से आपको ऑपरेट करने वाले हैं, तो उसके लिए ये सारे कोड्स है। एक स्टिकर मिलता है और सबसे मेन अपना ये फ्लैश एक्स। तो ये अभी मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मैंने गाड़ी खोल दी है, तो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लगता है वो, ये वायर इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा। तो ऐसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, साइंस फिक्शन। लेफ्ट एंड राइट और एक ब्रेक बटन, ब्रेक वायर है अपना, पीछे का जो ब्रेक लगता है उसमें बस लगने के। तो आपको मैं वन बाय वन प्रोसीजर दिखा देता हूँ। सबसे पहले पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से वायर कौन सी वायर कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट एंड राइट की। बारिश हो रही है तो मैं यहाँ पे सिंपली गाड़ी ऑन कर देता हूँ। गाड़ी ऑन करने के बाद अभी मैं राइट का मैंने इंडिकेटर दिया है, मैं जस्ट सिंपली एक ओपन करता हूँ। तो अभी भी लाइट जल रही है, मतलब ये लेफ्ट है। और इसमें देखते देखो अभी गाड़ी ब्लिंक करना बंद कर दी है, तो ये पीछे का लेफ्ट है। राइट बन हो गया, तो अभी दोनों मुझे मिल गए। ये एक राइट का है और एक ग्रीन वाला लेफ्ट का है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं ये नंबर प्लेट, इसमें ब्रेक वायर, ये लेफ्ट है। तो सिंपली मुझे लेफ्ट का वायर निकालना है, इसमें लगाना है और ये इसमें लगाना है। ओके, देखो अभी मालूम पड़ गया है। देखो ये अभी बंद है, तो अभी मैंने ये लगाने के बाद चालू हो गया। तो इसे ही सब सारे मैं कर देता हूँ, मैं आपको वीडियो के एंड में बता देता हूँ। तो स्टॉप करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अभी वायरिंग पूरी कर दी है, मैंने मोटर भी लगा दी है, अभी रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो मैंने अभी गाड़ी तो स्टार्ट कर दी है, तो अभी ये स्टार्ट नहीं होगा जब तक अपना इग्निशन ऑन नहीं होता। अभी देखो ये प्रॉपरली साइड के इंडिकेटर तो वर्क हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को।
मैंने इनमें इस पर इन्वेस्ट किया और मैंने आपको बता रहा हूँ मेरे से गलती हुआ था। ये हैज़र्ड स्टार्ट करने के लिए अपने को मेन जो लाइट है आगे का वो स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके फ्लैश चालू होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, इसमें लिखा नहीं है पर मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देखा तो आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने इग्निशन ऑन किया, अभी इकड़े तो मैंने ये अभी लाइट बंद है, तो लाइट बंद अभी स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट किया, गाड़ी गियर पे है अभी। मैं देखो ये अभी का लाइट बंद है, ठीक है, अभी मैंने चालू करता हूँ। तो ये अभी मैंने चालू किया, आगे का लाइट ऑन हो गया। तो ये देखिए अभी ये लाइट ऑन हो गई, ये लाइट ऑन हो गई थी, अभी हैज़र्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हैज़र्ड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पढ़ाई करना पड़ेगा थोड़ा। तो पढ़ाई करने के लिए मैंने देखा यहाँ पे, चिकड़ून दाखो तो यहाँ पे पहले एक्टिवेट करने के लिए राइट लेफ्ट राइट स्टार्ट। तो अभी देखिए पीछे से हैज़र्ड देखो स्टार्ट हो गया है, अभी स्टार्ट हो गया है। आगे का भी दिखा देता हूँ, आगे का भी हैज़र्ड स्टार्ट हो गया है। तो ये बेस्ट है N160 के लिए, या फिर डोमिनर का लगाया। देखो यहाँ पे भी एक्टिवेट हो गया अपना, तो एक बेस्ट है, प्लग इन प्ले वाला है, कोई भी इसमें कट कोई सी भी वायर लगाने की जरूरत नहीं। देखो अभी गाड़ी में बंद कर देता हूँ। तो ये बेस्ट है, आप जो लगाने का सोच रहे हो हैज़र्ड सिस्टम, तो ये बेस्ट है पल्सर N160 के लिए। इसका ये और पैटर्न चेंज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखे हैं, तो आप कौन सा चूज़ कर आपको रखना है और आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे सेव का भी ऑप्शन है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट अभी मैंने ये सेव रखा है, देखो ये सेव। तो अभी ये इसी पे सेव रहेगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा सेव रखना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, और चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे टॉगल वाले ऑप्शन दिए हैं। तो आपको कौन सा भी रखने के लिए आप यहाँ पे ये बटन का उपयोग कीजिए और अपना सेव कीजिए। तो दोस्तों मैंने अभी मेरे गाड़ी में हैज़र्ड सिस्टम लगा है, तो इसकी भी प्राइस आपको बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट पे अभी आपको पॉपअप हो जाएगा, मैंने 1549 में गिरा, 1549 समथिंग है इसका। ये ऊपर नीचे होते रहता है, 1500 में उतना ही खर्चा हो जाता है, समझो आपने पकड़ लिया वो मोटार का कुछ ऐसा कुछ कंपनी है, वो 1200-1300 का उसका हैज़र्ड आता है, ऊपर से बटन लगाओगे तो उसका 200-300 खर्चा हो ही जाता है, और वो दिखता भी नहीं यहाँ पे अच्छा, क्योंकि बटन ख़राब हो ही जाते हैं कभी ना कभी। तो ये प्लग इन प्ले अंदर लग गया, आपने कोई टेंशन नहीं, पूरा यहाँ पे हैंडल पे कुछ भी दिख रहा नहीं है, सब ऑपरेट करना है वो अपने साइड इंडिकेटर से ही ऑपरेट करना है, तो एक बेस्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।